subscribe to himanshu arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update आज के इस वीडियो में हमारा सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा यानी ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा एक्चुअली है ना तो सर्कुलेशन इन ह्यूमन जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डबल सर्कुलेशन ठीक है डबल सर्कुलेशन वैसे बोर्ड uh, टेंथ के बोर्ड में पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी इसे पढ़ेंगे क्योंकि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली थोड़ा बहुत पूछा भी जाता है Uh, किस रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे ठीक है ना और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आज बिल्कुल ट्रांसपोर्ट को एंड करेंगे ठीक है ना आज के इस वीडियो में तो देखते हैं हम डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन को समझेंगे बिल्कुल ही आराम से समझेंगे और इसे मैं बनाना भी सिखाऊंगा आपको एन वाला डायग्राम भी बताऊंगा आपको किस तरीके से बनाना है मैं यहाँ पे एक बेसिक सा फ्लो चैट बनाऊँगा अगर आपने ये फ्लो चैट समझा तो आप वो डायग्राम भी समझ लोगे चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ पे देखो डबल सर्कुलेशन का पहले मतलब समझो डबल सर्कुलेशन का मतलब है ना कि जो ब्लड है हमारे बॉडी में इट विल फ्लो इन टू सेपरेट लूप्स। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड है इन आवर बॉडी ब्लड इन आवर बॉडी ट्रेवल इन टू सेपरेट लूप्स पहला क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पहला डीऑक्सीजनेटेड लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड दूसरा क्या हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये दो फॉर्म में क्या करेगा दो लूप में ट्रैवल करेगा हमारे बॉडी में या यूं कहें इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है कि डबल सर्कुलेशन का मतलब हुआ ना कि ब्लड का सेम ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट से दो बार होगा यानी कि डबल सर्कुलेशन मींस फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू हट बिफोर गोइंग टू द बॉडी पार्ट या बॉडी टिश्यू बॉडी सेल्स क्लियर है ना तो दिस वॉज द डिफिनेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन को हम फ्लो चार्ट से समझेंगे ठीक है ना डबल सर्कुलेशन में एक चीज और समझ लो कि इसमें ना दो मतलब दो स्टेप्स होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ऐसे लिखते हैं सिंपल सा इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन तो हो जाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और नंबर टू हो जाएगा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन तो देख लो यहीं से हो गया ना डबल सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन कुछ नहीं याद करना है बस देखते रहो सारा याद करवा देंगे यहीं के यहीं देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी वर्ड कहाँ लगाना था लंग्स के लिए तो यहाँ टू द लंग्स फ्रॉम द लंग्स क्या बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब फ्लो ऑफ ब्लड टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ फ्लो ऑफ ब्लड टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स क्लियर है लंग्स के पास जा रहा है या लंग्स से आ रहा है दिस दिस इन्वॉल्व पल्मोनरी सर्कुलेशन ये देखो सिस्टम सिस्टम मीन्स बॉडी हमारा बॉडी इज द सिस्टम तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या लिख लोगे तो यहां लिख लो गो ऑफ ब्लड टू दॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी क्लियर है ये डिफिनेशन बन गया पल्मोनरी सर्कुलेशन का और सिस्टमिक सर्कुलेशन का अब यही पे देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप बताओगे आपको पीछे का लेक्चर अगर याद होगा तो नहीं याद होगा तो पीछे देख लोगे पहले ठीक है ना तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखो क्या हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व होगा कौन कौन सा हार्ट का चैम्बर इन्वॉल्व होगा चलो मैं आपके हिंट के लिए ना यहाँ पे वो हार्ट का सिंपल सा यहां पे डायग्राम बना देता दिस 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 इज 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 राइट राइट ऑरिकल ऑरिकल लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल अब आप बताओगे इसमें कौन कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व होगा तो देखो नहीं समझ में आ रहा ऐसे देखो टू द लंग्स टू द लंग्स यहाँ से जा रहा है ना ये राइट वेंट्रिकल लंग्स को ही तो देता है तो पहला तो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल ठीक है ना यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है यहीं पे लिखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है और देखो फ्रॉम द द लंग्स लंग्स फ्रॉम आ रहा है यानी लेफ्ट ऑरिकल इन्वॉल्व है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है राइट right वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल उसी तरह सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाकी के जो बच गए या फिर इसे भी देख सकते हो देखो टू द बॉडी टू द बॉडी ये देता है यहीं से तो जाता है ना और के पास तो ये क्या हो गया ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है ना और फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द बॉडी देखो यहां आता है तो ये क्या हो गया राइट right ऑरिकल तो यहां पे देखो चारों चैम्बर आ चुके हैं फिर से एक बार समझ लो डिफिनिशन हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है फ्लो ऑफ ब्लड टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स इट इन्वॉल्व राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी एंड इट इन्वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट right ऑर्गन इतना समझ में आ गया होगा आपको तो आगे बढ़ते हैं क्लियर है ना चलो अब देखना इसके बाद देखना इसको ना फ्लो चैट बना के दिखाएंगे ठीक है तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं आप जल्दी से लिख लो इसे ठीक है ना चलो लिख लिया होगा आपने तो मैं इसे पूरा ही इरेज कर देता हूं चलो देखोगे अब हम देखने वाले हैं डबल सर्कुलेशन को फ्लो चार्ट से तो यहाँ पे देखो हम अपने हिंट के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको भी ऐसे ही करना है अगर एग्जाम में आता है तो देखो हमने क्या लिखा था पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन सा आया था तो पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो फिर से अगर भूल गए फिर से चलो टू द लंग्स टू द लंग्स कौन सा देता था तो टू द लंग्स देता था राइट right वेंट्रिकल तो यहाँ राइट वेंट्रिकल तो यहाँ लेफ्ट ऑरिकल ये दो आ गए इसी तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या आ रहा है तो उल्टा कर लो ना लेफ्ट वेंट्रिकल कर लो राइट right ऑरिकल कर लो हो गया ना खत्म अब देखो यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं हम शुरू है। right है? तो देखना यहाँ पे आप ध्यान से देखते चलोगे देखो ये राइट right वेंट्रिकल है मेरा ठीक है ना राइट right वेंट्रिकल से बताओगे ब्लड जा रहा है कैसा ब्लड जा रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। और कहाँ जा रहा होगा तो राइट right वेंट्रिकल से ना सर लंग्स के पास जा रहा होगा ब्लड ठीक है और जब लंग्स के पास जा रहा होगा ना तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा पॉइंट समझ रहे हो ना तो ये डी ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है तो डी ऑक्सीनेटेड को हम ब्लू से लिखेंगे ठीक है ना तो यहां पे कैसा ब्लड जा रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ठीक है ना डिऑक्सीनेट ब्लड गया अच्छा किसके थ्रू जा रहा है तो यहीं पे एक पॉइंट लिख लेंगे हम कौन लेके जा रहा है डी पल्मोनरी वेन तो पल्मोनरी सॉरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी कहा लेके गया कहा लेके गया तो इसको लेके गया है लंग्स के पास लंग्स तक देखो पहुंच गया ना राइट right वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंच गया डिऑक्सीनेट ब्लड लेके जा रहा है कौन लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी अगर यहाँ थोड़ा सा आपको और याद होगा तो पल्मोनरी आर्टरी यहीं पे हमारा एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं एस तो चाहो तो आप यहाँ पे एस भी लिख सकते हो अपने लिए याद कर समझने के लिए देखो एक्चुअली ना ये आपका पीछे का रिविजन भी हो रहा है अगर आप ध्यान दो तो इसके बाद देखो लंग्स से कहाँ जाता है ब्लड हाइट के पास जाता है कैसा ब्लड अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड हो गया है मैं रेड पेन यूज करूंगा यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया है ऑक्सीजनेटेड हो चुका है ठीक है ना और लंग से लेके जा रहा है ना तो इसका भी कुछ नाम होता है और इसका नाम होता है तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स क्लियर है ना पल्मोनरी वेन्स होते हैं ये कहा दे दिया जरा बताना मुझे तो ये देखो अः आ... लंग्स से आ रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा तो ये देखो लेफ्ट ऑरिकल में आ गया यहाँ से यहाँ तक इतना समझ में आया आपको यही तो था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन अब देखो लेफ्ट ऑरिकल ओरिकल से जो तो सिंपल वेंट्रिकल में चला जाता है अच्छा एरो मैंने दिखाया नहीं यहाँ एरो इस तरीके से ठीक है अब लेफ्ट ऑरिकल से देखो मैं नीचे की तरफ एरो लगा रहा हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल चला जाएगा लेफ्ट ऑरिकल से कहा चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर देखो ना तो कहा जाएगा तो ये जाएगा बॉडी के पास मैं यहाँ पे बॉडी लिख लेता हूँ और इसको इस तरीके से एरो लगा देता हूं। फिर बॉडी से कहा जाएगा ना तो बॉडी से जाएगा तुम्हारा राइट ऑरिकल के पास और राइट right ऑरिकल में फिर से मैं ऐसे एरो लगाता हूँ राइट ऑरिकल से फिर कहा जाएगा राइट right वेंट्रिकल बीच में जो पॉइंट्स मिसिंग है वो मैं अब लिखूंगा ठीक है चलो देखना ध्यान से क्या क्या मिसिंग है तो लेफ्ट लेफ्ट से वेंट्रिकल जा रहा है आप बताओगे ब्लड कैसा है तो सर बिल्कुल है Clear है क्लियर ना लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है अभी भी कैसा है बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड है क्लियर है ना आर एस में अब देखो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे एक वॉल्व भी था जरा नाम बताना मुझे यहाँ पे एक वाल्व था राइट वाले में, के साइड क्या है ट्राई लेफ्ट वाले के साइड क्या है तो बाइक स्पीड वॉल्व भी था यहाँ पे ऐसे लिखो बाई का बाई का के थ्रू चला गया अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया ये कौन लेके जा रहा होगा तो बॉडी में ले जाने वाला एक ही तो होता है और क्लियर है ना अच्छा यहाँ भी एक वॉल्व था यहाँ भी एक वॉल्व था जिसका नाम था तुम्हारा यहाँ पे भी था एस एल भी ठीक है यहां भी मैं ग्रीन से ही लिख देता हूं एस एल भी क्लियर है तो ये वॉल्व हो गए यहाँ पे ठीक है अब देखो बॉडी में आ गया अब बॉडी ने ऑक्सीजन यूज किया दिया क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो ब्लड निकलेगा ना वो कैसा निकलेगा तो डी निकलेगा यानी अब यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा यहां से कैसा ब्लड निकलेगा डी ऑक्सीज़िनेटेड तो यहां से डिऑक्सीटेड ब्लड निकला यहां से भी कैसा ब्लड जाएगा तो सिंपली डीऑक्सीज़िनेटेड ही जाने वाला है डिऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाने वाला इधर अब देखो बॉडी से गया कहा बॉडी से एक मिनट बॉडी से कहा राइट ऑरिकल में जा रहा है यहां पे कौन से यहां पे कौन रिसीव करेगा याद करके बताओ जल्दी से तो यहां पे रिसीव करेगा वेना कैना कैवा में दो सुपेरियर एज वेल एज इनफेरियर ठीक है ना अब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में जा रहा है यहाँ पे एक वॉल्व होता है आप ही बता दो इसे तो यहाँ पे होता है वॉल्व वॉल्व तो ये देखो हो गया सो ये है हमारा डबल सर्कुलेशन अब देखो डबल सर्कुलेशन इसको हम बीच से सेपरेट करते हैं यानी अब देखो क्या करेंगे ना यहाँ से एक लाइन यहाँ से एक इमेजनरी लाइन ऐसे जा रहा है ध्यान से देखोगे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम ना ठीक है सेपरेट हो गया ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है आपको जिसमें ये सब इन्वॉल्व है दिस इज नोन एज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे देखो बॉडी है सिस्टम है सो दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन अगर ये डायग्राम ऐसे बनता ना तो हम इस तरीके से काट देते हैं इधर हो जाता पल्मोनरी, इधर हो जाता सिस्टमिक वो कोई इशू नहीं है लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझ लोगे, ये क्या हो गया हमारा, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन आपने समझ लिया इसके बाद देखेंगे हम डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज देखेंगे तो देखो ध्यान से आपको यहीं पे अगर ध्यान दिया होगा ना आपने तो आपको एडवांटेज भी क्लियर होगा देखो डबल सर्कुलेशन का एक ही एडवांटेज है सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज और वो बहुत बड़ा एडवांटेज है ये क्या कर रहा है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का, का काम कर रहा है देखो कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है ठीक है और बॉडी में जो पहुंच रहा है ना वो पर्टिकुलर पर्टिकुलरली देखो कौन सा ब्लड पहुंच रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ठीक है बॉडी से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड लेकिन बॉडी के पास जब जा रहा है ना तो ऑक्सीजनेटेड जा रहा है इससे फायदा क्या होगा तो देखो हम हायर ऑर्गेनिज्म है या जो भी हायर ऑर्गेनिज्म डबल सर्कुलेशन होगा कहा दो तीन चार ये चारों चैम्बर ही तो है हर्ट के तो चार चैम्बर कहाँ होते हैं एप्स में होते हैं और मैमल्स में होते हैं तो यहीं पे तो होगा डबल सर्कुलेशन बाकी जगह पे तो होगा भी नहीं डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन चलेगा है ना तो वहां पे क्या है कि सब कुछ मिक्स रहेगा अब देखो हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वहाँ एनर्जी की डिमांड भी ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ठीक है और भी जगहों पे पढ़ाता हूँ एनर्जी चाहिए ना मुझे और कोई दूसरे भी फील्ड में उसे भी एनर्जी चाहिए ठीक है बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसे करने के लिए एनर्जी इवन मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लग रहा है ठीक है ना और सब जानवर लोग तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको तो मतलब भी नहीं है इन सब चीजों से ठीक है ना तो ध्यान से समझोगे वो एनर्जी की का जो डिमांड है वो पूरा हो सके इसीलिए हायर ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन होता है यानी उस डिमांड को पूरा करने में हेल्प करता है डबल सर्कुलेशन कैसे हेल्प करता है वो भी समझो देखो फूड तो हमने खा लिया बहुत सारा अब ऑक्सीजन की मान लो हमारे बॉडी में कमी हो गई है ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो क्या उस फूड से एनर्जी बना पाएगा हमारा बॉडी बिल्कुल नहीं उसे बनाने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना सफिसियंट अमाउंट में और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा यहीं से तो सर्कुलेशन से ही ना आएगा ब्लड ही ना लेके आएगा आ रहा समझ में तो देखो अगर मान लो हमारे बॉडी में मिक्स्ड ब्लड आता है यानी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजेट मिला सिंगल सर्कुलेशन तो वा, क्या वहां पे उतना ज्यादा एनर्जी बन पाता जितना कि अब बनेगा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है इट मीन्स यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है रिच इन ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है ना तो यहाँ पे ब्लड कैसा है ऑक्सीजनेटेड है तो इसीलिए क्या होगा यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन क्या है ज्यादा होगा समझ में तो यही हमारा एडवांटेज हो गया डबल सर्कुलेशन का ठीक है तो लिख लोगे कहीं पे मैं यहां लिख देता हूं अभी से देखो मैंने हिंट के तौर पे यूज किया था ना बस इसे यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं तो यहां पे सिंपल से हम लिख लेंगे क्या लिख लेंगे एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज तो क्या लिखेंगे इसका डबल सर्कुलेशन सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड Deoxygenated blood and supply only oxygenated blood to the body parts, which is

एबनॉर्मिटीज uh, की वजह से क्या होता है कि ब्लड ना सही तरीके से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है बॉडी को और इस वजह से जो जो बॉडी होता है वो क्या हो जाता है ब्लू हो जाता है और ये खास करके बच्चों में ही पाया जाता है सो दिस इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका देखो पहले तो इलाज नहीं था लेकिन अभी फिलहाल इसका इलाज है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का बिल्कुल इलाज है ठीक है ना वहां पे उसका इलाज हो जाता है कभी कभी देखो आपने सुना होगा कि दिल में छेद है तो देखो क्या होता है ना कि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं ना दोनों वेंट्रिकल्स के जो वॉल होते हैं उसमें कहीं कहीं होल्स हो जाते हैं किसी वजह से ठीक है अब वो होल्स हो जाने की वजह से क्या होगा देखो मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको ये मान लो इस तरीके से हर्ट है अब यहाँ मान लो एक छोटा सा होल हो गया ठीक है ना तो इससे देखो ना ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा इस साइड का कैसा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड इस साइड कैसा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ये दोनों मिक्स हो गया तो जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना चाहिए बॉडी के पास उतना अब नहीं पहुंच पाएगा और इस वजह से क्या होगा एनर्जी का जो जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा हमारा बॉडी क्लियर है ना और इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ आपने डबल सर्कुलेशन भी समझ लिया ठीक है इसे एनसीआर ने एक दूसरे डायग्राम की तरह बनाया है आप उसे खुद से समझने की कोशिश करोगे ठीक है ना सेम चीज है यहाँ मैंने फ्लो चार्ट इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए देखोगे डबल सर्कुलेशन को एनसीआर जो बना रहा है वो कुछ इस तरीके से बना रहा है इसे भी आप समझ लोगे सेम ही चीज है मैंने जो बताया डबल सर्कुलेशन वही चीज यहाँ पे है समझोगे इस तरीके से हमारे हार्ट के चैम्बर हैं वहाँ पे हार्ट बना हुआ है थोड़ा छोटा सा है यहाँ मुझे बनाने में बन नहीं रहा है राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया आपको समझ में आ रहा है चैम्बर है राइट ऑरिकल से एक मिनट राइट right ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट right वेंट्रिकल में क्लियर है ना कैसा ब्लड जाएगा डी तो यहां मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ देखो राइट ऑरिकल से राइट right वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा कैसा ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड जाएगा ये भी आप समझ रहे हो ठीक है ना अब देखो इसी के साथ मैं ब्लू और रेड रेड का ही यूज करूंगा बस यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए सही तरीके से देखोगे क्या हो रहा है तो हम क्या करते हैं इधर देखो बॉडी में लिख देता हूं ठीक है ना और यहाँ दिख, दिख रहा है आपको बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे हमारा लंग्स हो गया दोनों ही लंग्स हो गए ठीक है ना बॉडी मीन्स बॉडी पार्ट्स अरे समझ में अब देखो बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड लाएगा कहाँ से आएगा बॉडी पार्ट्स के ब्लड तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ रहा है अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास देखो ब्लड कैसा है रेड ब्लड है देखो यहाँ पे रेड कलर है तो ये रेड ब्लड लेके आएगा इधर मैंने रेड कलर से दिखाया तो ये कैसा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड आ रहा है इसलिए मैंने रेड कलर से दिखाया बॉडी के पास तो ये डी ऑक्सीजनेटेड हो गया अब डी ऑक्सीजनेटेड होके ये कहाँ चला जाएगा तो ये राइट right ऑरिकल के पास चला जाएगा आपको पता है इतना राइट right ऑरिकल से राइट right वेंट्रिकल के पास गया अब राइट right वेंट्रिकल से वापस ये लंग्स के पास चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन ताकि यहाँ पे फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाए अब देखो लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड होके निकलेगा और ये ऑक्सीजनेटेड होके कहा आ जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल में ये कहाँ आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में तो बस इतना ही समझना था यही है हमारा डबल सर्कुलेशन तो आप ऐसे बना लो डबल सर्कुलेशन या मैंने जो बताया वो बना लो आप डबल सर्कुलेशन बात तो एक ही है यहाँ देखो लंग्स से ऊपर वाला हो गया पल्मोनरी नीचे वाला हो गया सिस्टमिक तो बात तो सेम ही है ना तो यहाँ पे हमारा सर्क, डबल सर्कुलेशन में यहाँ कंप्लीट हो गया एडवांटेज आपको पता होना चाहिए जो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हायर ऑर्गेनिज्म में उसे पूरा करेगा हमारा डबल सर्कुलेशन क्लियर है ना तो यहाँ ह्यूमन का सर्कुलेशन खत्म हो गया अब देखो एक्चुअली हम क्या करते हैं अब बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है अब वो है ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट वो मैं क्या करता हूँ ना अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ इसे ह्यूमन तक ही रखते हैं प्लांट को अलग लेक्चर में पढ़ देंगे आप ठीक है ना तो तब तक के लिए बाय टेक केयर